अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में सैकड़ों साल से सरगर्दा एक जिन दोशीज़ा की नाकाबिले फरामोश कहानी। अभी मैं वो दिन याद करता हूँ तो ख्वाब सा लगता है, मगर जो मेरे साथ हुआ क्या वो ख्वाब था? नहीं, हरगिज़ नहीं, वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत था। मगर वो सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? इन सब की क्या वजह हो सकती है? अब भी मैं ये सोचता हूँ तो दिमाग शलसा होने लगता है। उस दिन हद से ज़्यादा काम था, ऑफिस में बहुत देर हो गई थी, रात का 1:30 बजा था। सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए थे, मगर ऑफिस की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर थीं, इसीलिए मैं अभी तक ऑफिस में ही था। काम ज़्यादा था और मुझे आज ही ये सारा काम निपटाना था। काम निपटाकर बाहर निकला, बाइक स्टार्ट करने लगा, मगर बाइक में कोई ख़राबी हो गई। कोशिश के बावजूद बाइक स्टार्ट ना हुई तो बाइक को लॉक करके खुद पैदल चल पड़ा। हर सू वीरानी और सन्नाटे का राज था। मेन रोड को छोड़कर मैं शॉर्टकट रास्ते से चल पड़ा। यहाँ से मेरे घर तक 1 घंटे का रास्ता था। उस रास्ते से मैं पहले सिर्फ एक बार आया था, इसलिए ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं था। आधे घंटे तक चलता रहा, फिर दरख्तों का सिलसिला शुरू हुआ। जंगल काफ़ी घना था। अभी मेरा सफ़र जारी ही था कि आसमान पर काले बादल छा गए। देखते ही देखते गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश पड़ने लगी और मैं पूरे का पूरा भीग गया। बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। तेज़ बारिश की वजह से चलना दुश्वार हो रहा था। 1 घंटा गुजर चुका था, मगर अभी तक जंगल में मौजूद दरख्तों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था। कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया? यह ख्याल आते ही मुझे परेशानी तारी हो गई। फिर भी मैं चलता रहा। काफ़ी दूर जाने के बाद सामने एक फ्लैट नुमा बड़ा मकान नज़र आया, तो मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ मकान के करीब पहुंचा। सर्दी कुछ अब ज़्यादा ही लग रही थी। सारा इलाका सुनसान था। इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं खंडरात में आ गया हूँ। मकान के अंदर हल्की हल्की रोशनियाँ जल रही थी। गेट बंद था। सर्दी में और इजाफा हो गया। मैं ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगा। काफ़ी देर दस्तक देने के बाद कोई आदमी आता दिखाई दिया। जाली का गेट होने की वजह से मैंने दूर से ही उसे आता हुआ देख लिया था। मुझे हैरत से देखते हुए उसने गेट खोला। कौन? इतनी बारिश में आप तो मुजस्सम भीग चुके हैं, अंदर आइए, उसने कहा और गेट खोल दिया। जबकि मैं कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया तो उसने गेट बंद किया और मुझे देखने लगा। मैं मुसाफिर हूँ, रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। चलें, आप फिक्र ना करें, यहाँ बहुत से कमरे हैं, आपके लिए कमरा खोल देता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, वैसे भी ये मकान मुसाफिरों के लिए ही है। वाकई ये मकान मुसाफिरों के लिए बना है, यहाँ किराया नहीं लिया जाता। हैरत की बात ये थी कि मुझे उसके अलावा वहाँ कोई और नज़र नहीं आया था। हो सकता है रात के 2:30 बजने की वजह से सब सो रहे हों। वैसे आप कौन हैं, चौकीदार, मालिक, नौकर, वेटर, आप कुछ भी समझ सकते हैं। वैसे आपका नाम? रेहान, मैंने मुस्कुराकर नाम बताया। और मेरा नाम नदीम है। ये रहा आपका कमरा। कमरा साफ़ सुथरा था मगर काफ़ी पुराना था। आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जी शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। नदीम चला गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सारे फ्लैट में अजीब किस्म की खामोशी तारी थी। नदीम इखलाकन बहुत अच्छा था, मगर देखने में अजीब सा था। आंखें ड्राउनी, कमीज शलवार, गर्म स्वेटर और सर पर पुराने ज़माने की टोपी और गर्दन पर मफलर, ये था नदीम का हुलिया। मैं खिड़की में खड़ा सोचता रहा। मैं ऊपर वाले कमरे में था, नीचे झांका तो चक्कर आने लगे। ऊपर से नीचे छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे थे। सामने एक बहुत बड़ी पुरानी सी हवेली थी, अंदर रोशनियाँ थीं। मैं कुछ देर यूं ही हवेली को देखता रहा। बारिश के कतरे अंदर आने की वजह से मैं खिड़की बंद ही कर रहा था कि फिर रुक गया। महसूस हुआ कि हवेली में कोई है जो मुझे देख रहा है। मेरी खिड़की के सामने ही हवेली की खिड़की थी और खिड़की में कोई लड़की खड़ी बारिश का नज़ारा कर रही थी। बारिश की वजह से वो ठीक तरह नज़र तो नहीं आ रही थी, मगर मैंने महसूस किया कि वो मुस्कुरा रही थी और बार बार मेरी जानी भी देख रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसकी वजह से मैं चौंक गया। दरवाज़ा खोला तो नदीम खड़ा था। साहब, आपके सारे कपड़े भीग चुके हैं, आपको बुखार हो सकता है। ये मेरे कपड़े हैं, आप पहन लीजिए, जैसे भी हैं, मगर गुजारा हो सकता है।
ठीक है नदीम, शुक्रिया, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद करके मैं जल्दी से खिड़की में आया, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद मैं कपड़े तब्दील करके पलंग पर लेट गया। मैं हमेशा पेंट शर्ट पहनता हूँ, मगर आज मजबूरन कमीज शलवार पहनना पड़ा। अभी मुझे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। ये नदीम बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा खोला, मगर सामने वाले को देखकर सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। ये वही थी जो कुछ देर पहले खिड़की में खड़ी थी। काले लिबास में गोरी रंगत, नशीली आँखें, लंबे बाल कंधे पर बिखरे हुए, वो बहुत खूबसूरत थी। जी फरमाइए, मैंने अनजान बनकर खामोशी को तोड़ा। वो जी, मैंने खिड़की से आपको देखा था तो सोचा आपके लिए कुछ बना कर लाऊं। ये चाय और पकोड़े लाई हूँ, बारिश में इन दो चीज़ों की बहुत तलब होती है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं ट्रे लेते हुए बोला। जनाब, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, यहाँ जो भी मुसाफिर आता है उसके लिए मैं ही खाना वगैरह बनाती हूँ, और हमें मुसाफिरों की खिदमत करने में बड़ा मज़ा आता है। साहब जी, अब मैं चलती हूँ, और वो चली गई। पकोड़े और चाय दोनों मज़ेदार थे और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। खाने के बाद मैं फिर सो गया। सुबह उठा तो 10 बज रहे थे। मैं खिड़की पर आया तो बारिश अभी तक मूसलाधार हो रही थी और काफ़ी धुंध छाई हुई थी। शायद यहाँ कोई होटल वगैरह हो, ये सोचकर मैं कमरे से निकल गया। मैं फ्लैट के कमरों को गौर से देख रहा था, वहाँ रात जैसा माहौल और सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी, क्या यहाँ कोई नहीं रहता, मैंने सोचा। सारे कमरे बंद पड़े थे, जा बचा मिट्टी, धूल और मकड़ी के जाले लगे थे। अभी मैं सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि गेट से मुझे नदीम आता दिखाई दिया। साहब, आप उठ गए, तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया। वो जी, रात आप देर से सोए थे ना, इसलिए। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद यहाँ कोई होटल होगा तो चाय पी आऊँ। नहीं साहब, ये इलाका काफ़ी सुनसान है, यहाँ कोई होटल नहीं है, आप फिक्र ना करें, आपको हर चीज़ टाइम पर मिल जाएगी। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता क्या। साहब, यहाँ का रुख बहुत कम ही लोग करते हैं और यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, आपके अलावा और कोई मुसाफिर यहाँ नहीं है। मैं सोचों में गुम हो गया, काफ़ी खौफनाक और ड्रोना फ्लैट है, ऐसा लगता था जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। मुझे बारिश के रुकने का इंतज़ार था क्योंकि मुझे निकलना था, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर ये बारिश नहीं थमी तो, ये ख्याल आते ही मैंने बारिश में ही निकलने का फ़ैसला कर लिया। घर वाले परेशान होंगे और यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं था। मैं ऑफिस का बैग कंधे पर डालकर निकलने ही वाला था कि नदीम नज़र आया। साहब, कहाँ जा रहे हैं आप। हाँ, मैं अपने घर, मगर इतनी बारिश में। क्या करूँ, मजबूरी है नदीम। साहब, मैं आपको इतनी तेज़ बारिश में जाने नहीं दूंगा। उसने मेरे कंधे से बैग लेकर कुर्सी पर रख दिया और फिर मुझे रुकना ही पड़ा। तेज़ बारिश के साथ गरज चमक भी थी। मैं अपने ख्यालों में था कि आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो पकोड़े वाली लड़की हाथ में छतरी लिए तेज़ तेज़ कदम उठाती मेरी तरफ आ रही थी। मैं कब से आपको आवाज़ें देती हुई आ रही हूँ। ओह सॉरी, मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं पाया। दरअसल मैं चहलकदमी के लिए जंगल की तरफ आ रही थी तो आपको देखा। आप छतरी के बगैर इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जा रहे हैं, अगर बुखार हो गया तो, वो फिक्रमंदी से बोली। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बातें कर रहे थे। साहब जी, आप यहाँ कैसे पहुँचे। एक मेहरबानी करो प्लीज़, साहब जी मत कहो मुझे। तो फिर क्या कहूँ आपको। रेहान कहो, मेरा नाम रेहान है। तो ठीक है रेहान जी, ये जी नहीं, सिर्फ रेहान। ओके रेहान, उसने मुस्कुरा कर कहा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं किस तरह यहाँ तक पहुँचा। हम जंगल में दाखिल हो चुके थे, दरख्तों की वजह से सिर्फ बारिश के कतरे हम तक पहुँच रहे थे। उसने छतरी बंद करके हाथ में पकड़ ली। तुम हवेली में क्यों रहती हो, ये इलाका तो काफ़ी वीरान और सुनसान है, डर नहीं लगता क्या। मेरे कहने पर वो हंसी। डर किस बात का, यहाँ रहते हुए आदत हो गई है, ये लंबी कहानी है, वक्त आने पर बताऊँगी। और वैसे भी मैं अकेली नहीं रहती, मेरे साथ मेरी दादी भी रहती हैं और नदीम भी अक्सर आता जाता है। दादी अब काफ़ी बीमार रहने लगी हैं मेरी। अचानक एक कुत्ता हमारे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। लड़की को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आंखें बहुत डरावनी थीं। रेहान, जल्दी चलो, लड़की के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। फिर हम वापस लौट गए। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रेहान हवेली चलो ना,
दादी से भी मिल लो, अभी नहीं फिर कभी आऊँगा। वो हवेली की जानी भर गई और मैं फ्लैट की तरफ। सुनो, मैंने रुककर उसे आवाज़ दी। वो मुड़कर मुझे देखने लगी। तुमने अपना नाम नहीं बताया। ऐना, अपना नाम बताकर वो मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। इस जगह मज़ा आने लगा था। ज़रूरत की हर चीज़ मुझे मिलती थी। नदीम के कपड़े पहनकर गुजारा कर रहा था। ना जाने क्यों फ्लैट में खौफ महसूस होता था। सारे फ्लैट में मैं अकेला था और कमरा भी ऊपर था। नदीम का कहना था कि वो भी इस फ्लैट में रहता है, मगर मुझे वो फ्लैट में नज़र नहीं आता था। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती तो नदीम अचानक दरवाजे पर आ जाता। रात हो चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर सोचने के बाद मैं कमरा बंद करके हवेली की जानब बढ़ गया। हल्की बारिश अभी तक हो रही थी। हवेली का गेट खुला था, मगर फिर भी मैं दस्तक देने लगा। काफ़ी देर बाद ऐना भाग कर आई, मुझे खड़ा देख कर खुश हो गई। तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। मैं अंदर चला गया। अंदर से हवेली बहुत बड़ी थी। दादी जान कहाँ है तुम्हारी? कमरे में है। ऐना मुझे कमरे में लेकर गई। पलंग पर एक बूढ़ी औरत लेटी थी। उम्र के हिसाब से वो 90 से ऊपर की लगती थी। देखने से ही बीमार लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने कांपती आवाज़ से जवाब दिया। ऐना अब कमरे से बाहर चली गई थी। तबीयत कैसी है आपकी? बस सांस चल रही है, जो बहुत जल्द टूट जाएगी। कुछ देर बाद ऐना आई तो हाथ में ट्रे थी जिसमें काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। काफ़ी देर में वहाँ बैठा रहा, फिर दादी जान से इजाज़त लेकर उठ गया। ऐना दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो क्या बात है, तुम ये पेंट शर्ट क्यों पहनते हो, जबकि मुसलमानों का असल लिबास तो कमीज शलवार है ना? सच कहूँ आप कमीज शलवार में ही अच्छे लगते हैं। मैं मुस्कुराता हुआ फ्लैट में आ गया। अपने कमरे को खुला देखकर हैरान हुआ, फिर सोचा शायद मैं बंद करना भूल गया हूँगा। फिर मैं लेट गया। अभी मुझे लेटे 10 मिनट ही होंगे कि किसी शोर की वजह से मैं उठ बैठा। आसपास के कमरों से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं और साथ में बच्चों की रोने की आवाज़ें भी आ रही थीं। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है तो फिर ये इतने सारे लोगों की आवाज़ें, मैं सोचने लगा। कुछ देर तक जब आवाज़ें आना बंद हो गईं तो मैं कमरे से बाहर निकला। रात के 2 बजे थे। बाहर अंधेरा फैला हुआ था, जबकि आवाज़ें अब भी कुछ कुछ आ रही थीं। सारे कमरे बंद थे और उन पर जंग आलू ताले लगे थे। सिर्फ एक कमरा खुला था और अंदर लाइट भी जल रही थी। कौन है अंदर? मुझे डर नहीं लग रहा था, मगर हैरत हो रही थी। मैं कमरे में दाखिल हो गया। वो सारी आवाज़ें उसी कमरे से आ रही थीं। कौन है यहाँ पर? मैंने सारा कमरा छान मारा, मगर वहाँ कोई भी ना था। सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, मेरे पीछे बर्तनों के गिरने की आवाज़ें। मैंने पलट कर देखा, मगर वहाँ तो एक बर्तन भी ना था। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या ये मेरी समात का धोखा है या फिर हालत ख्वाब में हूँ? अभी मैं खड़ा सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं भाग कर दरवाजे के पास आया। कौन है, दरवाज़ा खोलो। एकदम दरवाज़ा खुल गया। चले जाओ, क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। कमरे में कई मर्द और औरतों की आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई दी। मैं जल्दी से निकलकर अपने कमरे के पास पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद था। मैं जोर देकर खोलने की कोशिश करने लगा, मगर ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई ताकत जोर दे रही हो। फिर झट से दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हो गया और एक बार फिर दरवाज़ा बंद कर दिया गया, मगर इस बार मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की। मैं इन सारे वाकयात के बारे में सोचने लगा, मगर कमरे की लाइट बंद कर दी गई। मुझे डर नहीं लग रहा था, मगर कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। उस फ्लैट में कोई गैबी वजूद था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ओपन की। लाइट का बटन बंद था, जिसे मैंने खोला तो लाइट आ गई। फिर खिड़की के दोनों पट एक दूसरे से टकराने लगे। ये हवा से नहीं बल्कि कोई गैबी वजूद सब कर रहा था। फिर लाइट जलने बुझने लगी। अजीब माहौल था, खौफ चारों तरफ फैला हुआ था। फिर किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। सर से खून बहने लगा, मगर मैं उठ बैठा। वहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं था। फिर कमरे की चीज़ें खुद बखुद गिरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन चीज़ों को उठा उठा कर फेंक रहा हो। मैं कमरे से बाहर निकल पड़ा। मेरे कदम तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। मैंने नदीम को कई आवाज़ें दी, मगर वो आया ही नहीं। कुछ देर बाद मैं फ्लैट के बाहर खड़ा था। हर फ्लैट खौफनाक नज़र आ रहा था। सारे फ्लैट्स में लाइट जलती बुझती रही। चारों तरफ खौफ का आलम था। मैं भागकर हवेली पहुंचा, मगर गेट बंद था। मैं दस्तक देता रहा, मगर ऐना नहीं आई।
फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चक्कर की वजह से मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अलग कमरे में पाया। सर में शदीद दर्द हो रहा था, मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। कुछ देर बाद ऐना आई। रेहान, तुम्हें कब होश आया? बस अभी। तुम जख्मी हालत में उधर बेहोश पड़े थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट के बारे में उसे बताने लगा। ये सब सुनकर ऐना के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। वो किसी गहरी सोच में गुम हो गई, फिर कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई। मुझे उसका ये अंदाज़ बड़ा अजीब लगा। रात के 9 बजे मैं गेट पर पहुँचा ही था कि किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा तो ऐना थी। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहाँ जा रहे हो? फ्लैट में। मगर क्यों? मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूँगी। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं उठा सकती ना। आज पहली बार मैंने ऐना को परेशान देखा था। यहाँ सिर्फ मैं और दादी रहती हैं, तुम भी यहीं पर रहो ना। तुम्हें हवेली में ही रहना होगा अब। ओके, ठीक है, मेरा बैग वहीं पर है, वो मैं लेकर आता हूँ। मगर रेहान, अभी बैग की क्या ज़रूरत है? मुझे डर है कि कहीं वो लोग मेरे बैग को नुकसान ना पहुँचाएं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ फिर। नहीं ऐना, तुम यहीं रुको, दादी को तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं यूँ गया और यूँ आया। एक मिनट, ये कहती हुई ऐना चली गई। जब वो आई तो हाथ में छतरी थी। रेहान, बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगे, ये छतरी ले जाओ। मैं मुस्कुराता हुआ छतरी लेकर आगे बढ़ गया। मैं फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। अंधेरा बेइंतहा था। मोबाइल की रोशनी से मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ कमरे में पहुँचा। सारे फ्लैट में अंधेरा था जबकि मेरे कमरे में लाइट जल रही थी। मेरा बैग खुला पड़ा था और लैपटॉप के कई टुकड़े ज़मीन पर पड़े थे। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मैं लैपटॉप के सारे टुकड़े बैग में डालकर वापस हवेली आ गया। ऐना बेचैनी से टहल रही थी। शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे तो कुछ नहीं हुआ ऐना, मगर उन्होंने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया है। फिर वो उठी और मेरे पास से चली गई। बोल कर गई थी कि मुझे एक ज़रूरी काम है। रात के 12 बजे थे। मैं कुर्सी पर बैठा गहरी सोचों में गुम था कि अचानक खिड़की के दोनों पट जोर से एक दूसरे से टकराने लगे, जिसकी वजह से कई बारिश के कतरे मुझ पर आकर गिरे। मैं जल्दी से खिड़की के पास गया। मैं उसी खिड़की पर था जिस खिड़की से पहली बार ऐना को देखा था। फ्लैट का वो कमरा बिल्कुल मेरे सामने था जिसमें मैं रहता था। फ्लैट के उस कमरे में कई साए नजर आए, फिर वो साए गायब हो गए। फिर वहाँ एक बच्चा खड़ा था। मैं उसे हैरत से देख रहा था जबकि वो मुझे घूर कर देख रहा था। उसका चेहरा दूध की तरह सफ़ेद था। मुझे वो इंसान नहीं लग रहा था। वो काफ़ी डरावना था और फिर वो गायब हो गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि पियानो बजने की आवाज़ से मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पियानो की आवाज़ अब भी आ रही थी। मैं आवाज़ के सिम चल पड़ा। सारी हवेली में आवाज़ गूंज रही थी। मैं चलते चलते एक जगह रुक गया। सामने एक कमरा था जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला था। पियानो की आवाज़ उसी में से आ रही थी। मैंने कमरे में झांक कर देखा, वो किसी चर्च जैसा बड़ा सा कमरा था। लाइन में कई मेज़ें रखी हुई थीं। एक लड़की मेज़ पर बैठी सफ़ेद लहंगा पहने पियानो बजा रही थी। मैंने उसे पहचान लिया, वो ऐना थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा उसे देख रहा था। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हैरान खड़ा उसे देख रहा था। आज पहली बार मुझे हैरत हो रही थी। उसका अंदाज़ कुछ अजीब सा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। फिर सोचों ने मुझे आन घेरा। बाकी की रात मुझे सोचते हुए गुजर गई। उस दिन से मैंने गौर किया था कि ऐना चुप और उदास रहने लगी थी और अक्सर सोचों में घिरी रहती। कई बार मैंने पूछा तो वो फीकी मुस्कुराहट से टाल देती। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी उसे? मैं उसे देखकर खुद भी परेशान रहने लगा। मैं अक्सर उसे रोता देखता रहता और नदीम भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। बारिश अभी भी मूसलाधार पड़ रही थी। ऐसे में मेरा निकलना मुश्किल था। उस रात मैं सो रहा था कि किसी आवाज़ से उठ गया। कमरे में गुप अंधेरा था। मोबाइल बेड पर ही मिल गया। ऑन किया तो कमरे को देखकर मेरा सर घूम गया। ये मैं कहाँ हूँ? मैं कमरे को गौर से देखने लगा। सारा कमरा खाली था, सिर्फ एक पुराना मखदूश बेड था, जा बजा जाले, जिसमें बड़ी बड़ी मकड़ियाँ चल रही थीं। सारा कमरा मिट्टी धूल में अटा हुआ था। मैं तो शानदार कमरे में सोया था, तो फिर ये? मैं हवेली में ही मौजूद था ना। मैं कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा तो हैरान रह गया। बाहर की भी वही हालत थी। हर जगह जाले मकड़ियां थीं। सारी हवेली मिट्टी धूल से भरी पड़ी थी। पानी सीढ़ियों तक पहुंच रहा था। ये पानी कहाँ से आया? ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि हवेली में जंगल आबाद हो गया था।
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब ख्वाब है, हवेली की ऐसी हालत कैसी हुई, मैं नहीं जानता था। फिर से पियानो बजने की आवाज़ें आने लगीं, मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा, मेरे घुटनों तक पानी था, मोबाइल की रोशनी से आगे बढ़ रहा था, पानी में चलते मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। कोई है यहाँ पर? दादी जान, ऐना, ऐना कहाँ हो तुम? मैं आवाज़ें देता हुआ आगे बढ़ रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। पूरी हवेली पर खौफनाक सन्नाटा छाया था। ये पियानो तो ऐना ही बजा रही होगी, ये सोचकर मैं उस कमरे की तरफ चल दिया। कमरा खोला मगर वहाँ ऐना नहीं थी, मगर पियानो बजने की आवाज़ खुद बखुद आ रही थी। मैं तेज़ तेज़ चलता पियानो तक पहुँचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पियानो के बटन खुद बखुद दब रहे थे, जबकि उसे बजाने वाला नज़र नहीं आ रहा था। उस वक्त ज़िंदगी में पहली बार मुझे शदीद खौफ का एहसास होने लगा। फिर मैं वहाँ से जल्दी से निकला, दरवाज़ा खुद बखुद बंद हो गया। पानी में दौड़ना मुश्किल था, इसलिए मैं तेज़ तेज़ चलता रहा। बड़ी मुश्किल से मैं हवेली से निकल गया। सारी हवेली में लाइटें जलने बुझने लगीं। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी, वो लहंगा पहने जंगल की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे भागने लगा। ऐना, ऐना रुको, कहाँ जा रही हो तुम? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद उस तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, या फिर ऐना सुनकर अनजान थी। ऐना आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मगर फिर भी उसकी रफ्तार तेज़ थी और मैं भागने के से अंदाज में दौड़ रहा था, फिर भी उस तक नहीं पहुँच पा रहा था। हम जंगल में दाखिल हो चुके थे कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से खींचा तो मैं एक मोटे दरख्त के पीछे आ गया। वो ऐना थी। ऐना तुम? तो फिर वो कौन थी? वो सब तुम्हें मारने की साजिश है। क्या मतलब? रेहान, हमारे पास टाइम बहुत कम है, यहाँ से भागो। फिर ऐना मेरा हाथ पकड़कर भागने लगी और मैं हैरत की कैफियत में उसके साथ भागने लगा। वो एक हाथ से अपने लहंगे को पकड़े हुई थी और दूसरे हाथ से मेरा हाथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम क्यों भाग रहे थे। तकरीबन आधा घंटा भागते रहे, फिर अचानक ऐना मेरा हाथ छोड़कर रुक गई और मैं हैरत से उसे देखने लगा। रेहान, सामने सड़क है, कोई भी गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी, तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब क्या है ऐना? हम वहाँ से इस तरह भाग कर क्यों आए? और वो तुम्हारी हवेली का वो हाल? वो सब मैंने इस कागज़ पर लिख दिया है, मैं ज़ुबानी नहीं कह सकती और ना मेरे पास इतना टाइम है। तुम इसे पढ़ लेना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। ऐना कागज़ मुझे थमाते हुए बोली। रेहान, चले जाओ, देर नहीं करो, हम फिर कभी नहीं मिल सकते। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मगर हमारा मिलना नामुमकिन है। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मुझे देर हो रही है रेहान, मैं जा रही हूँ। ऐना, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। नहीं रेहान, मुझे लेने मत आना, मैं तुम्हें नहीं मिलूँगी, तुम मुझे भूल जाओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर जल्दी लौट कर आऊँगा तुम्हें लेने। फिर वो हाथ से अलविदा करने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। खुदा हाफिज़ कहकर वो गायब हो गई। उसके गायब होने से मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो मैं पहले ही जान चुका था कि वो इंसान नहीं थी, मगर वो कौन थी ये मालूम नहीं था। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ा रहा, मुझे लगा जैसे मेरा सब कुछ छिन गया हो। एक बस आकर हॉर्न देने लगी, शायद ड्राइवर ने मुझे उस सुनसान सड़क पर देख लिया था। मैं बैग लेकर चुपचाप बस में चढ़ गया। आखिरी बार मुड़कर देखा, मगर वहाँ ऐना नहीं थी। मैं सीट पर बैठ गया, सारे मुसाफिर मुझे हैरत से देख रहे थे और ड्राइवर भी बार बार आईने में मेरी तरफ देख रहा था। खैर, मैंने कोई तवज्जो ना दी और खिड़की की तरफ देखने लगा। एकदम मुझे ऐना नज़र आई तो मैं उछल कर बैठ गया। वो हाथ हिला हिला कर मुझे अलविदा कर रही थी। मैं मुस्कुराता रहा और फिर वो पलक झपकने में गायब हो गई। बस तेज़ रफ्तारी से चल रही थी और मैं गहरी सोचों में गुम था। फिर मैंने कागज़ निकाला और उसे खोलकर पढ़ने लगा। ये तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मगर शायद ये मालूम नहीं होगा कि मेरा ताल्लुक गैर मज़हब से है। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही थी कि एक दिन मैंने उसे देखा। वो भी जिन था, मगर वो मुसलमान था। हम दोनों के ख़ानदान एक दूसरे के दुश्मन थे। हम शादी करना चाहते थे, मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन चुकी थी, लेकिन हम में हिम्मत नहीं थी कि हम अपने घर वालों को राज़ी करते। अगर हमारे कबीले वालों को पता चल जाता तो वो हमें मारने में देर नहीं करते। किसी ने हम दोनों को एक साथ बातें करते हुए देख लिया था। फिर ये बात सारे कबीले में फैल गई, दोनों ही ख़ानदान हमें मारने की कोशिश करने लगे। एक रात हम दोनों छुपकर वहाँ से निकल गए।
दो दिन हमने मुसलसल सफ़र किया, फिर वहाँ हम पहुँच गए जहाँ हवेली और फ्लैट के अलावा कुछ नहीं था। ये हवेली और फ्लैट कभी आबाद हुआ करते थे। ये एक शहर था मगर सैलाबों और तूफ़ानों की तबाही ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। सिर्फ फ्लैट और हवेली बचे। फिर यहाँ जिन्हों ने कब्ज़ा जमा लिया। हम अपने कबीले से काफ़ी दूर आ गए थे और हमें यकीन था कि अगर हमारे कबीले वाले हमें सारी उम्र भी ढूंढें तो भी ना ढूंढ सकेंगे। यहाँ के जिन हमें यहाँ ठहराने पर राज़ी नहीं थे, काफ़ी मिन्नत समाजत करने पर राज़ी हुए। फिर हमने निकाह कर लिया। जोनान बहुत अच्छे शोहर साबित हुए, खुद से ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखते थे, मगर ना जाने क्यों यहाँ के जिनों को उनसे नफ़रत थी। यह हमने कभी पूछने की कोशिश नहीं की। हम जानते थे कि अगर हम उनके मामलों में पड़ेंगे तो वो हमें भी यहाँ से निकाल देंगे। यही बात मुझे उनकी पसंद नहीं थी, मगर मैं चुप रही। हवेली में जो बूढ़ी औरत रहती थी वो 5 वक्त की नमाजी थी और मैं भी उसके साथ नमाज पढ़ती थी। हमारी नमाजों से तंग आकर जिन्होंने हवेली छोड़कर फ्लैट पर कब्ज़ा जमा लिया। एक दिन जोनान को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। वो 2-3 दिन का वादा करके चले गए। 2-3 दिन क्या, 2 महीने गुजर गए और वो ना लौटे। एक एक पल मेरा मुसीबत और परेशानी में गुजरा। फिर मैं जोनान को ढूंढने निकल पड़ी। अपने चेहरे को नकाब में छुपा लिया ताकि मेरे कबीले वाले ना देख सकें। मैंने जोनान को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिले। फिर मुझे पता चला कि जोनान को मेरे ख़ानदान वालों ने मार डाला है। उन्हें रास्ते में पकड़ लिया गया था और मैं रोती हुई वापस हवेली आ गई। दादी को भी सुनकर काफ़ी दुख हुआ। मैं खुद को तन्हा महसूस करती थी, रातों को छुप छुप कर रोती रहती। मुझे तन्हाई से डर लगने लगा। मौत भी नहीं आ रही थी और ना खुदा ने मुझे कोई औलाद दी थी। 20 साल गुजर गए और फिर तुम यहाँ आए। हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। नदीम भी उन जिनों में से है जो इंसानों से नफरत करते हैं। यहाँ जो भी मुसाफिर आता है पहले उसकी खिदमत की जाती है और फिर उसे इतना तंग किया जाता है और डराया जाता है कि वो डर से खुद ही मर जाता है। मगर तुम काफ़ी हिम्मत वाले हो। जिन्होंने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की और डराने की भी कोशिश की, मगर तुमने बहादुरी का मुजाहरा किया। दादी जान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, शायद उम्र की वजह से, और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं साई की तरह तुम्हारे साथ साथ रहती थी ताकि वो लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। वो लोग अब मेरे भी दुश्मन बन गए हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बचा लिया है और अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मगर अब मुझे अपनी परवाह नहीं है क्योंकि मैं खुद भी मरना चाहती हूँ। हवेली की वो हालत जिन्होंने नहीं की है ताकि मेरा वहाँ रहना दुश्वार हो जाए। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। खुदा हाफिज़, ऐना। इस वाक़े को 5 साल गुजर चुके हैं। इस वाक़े को तो अब 15 साल गुजर चुके हैं। मैं कुछ अरसे के बाद ऐना के लिए उस जगह पर गया था, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ हवेली और फ्लैट का नामो निशान तक ना था। सब कुछ गायब हो गया था और ना ही मुझे वहाँ ऐना नज़र आई। मैं मायूसी से घर लौट आया। मुझे यकीन हो गया था कि ऐना शायद अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं तो उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। हवेली और फ्लैट के इस तरह गायब होने का ना जाने क्या राज था, मुझे वो मालूम नहीं। मैं वो गुजरे हुए दिन जब भी याद करता हूँ तो हैरत होती है, क्या वो सब सच था, क्या ऐसा भी होता है। मगर जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब सच ही की गवाही दे रहे थे। जब मैं अपने घर पहुंचा था तो मैंने बैग खोलकर देखा तो हैरान रह गया। मेरा लैपटॉप सही सलामत बैग में पड़ा था। ये कैसे मुमकिन था? उसके तो कई टुकड़े हो गए थे। उसे शायद ऐना ने ही ठीक किया होगा। उसे मेरी कितनी फिक्र थी। मुझे मौत के मुँह से निकाला था। वो जिन्न ज़ाती मेरी हमदर्द थी।